these most IMP questions. आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने अमेरिका की किस कंपनी पर $2 बिलियन का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर है एप्पल। फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल पर अपनी आर्थिक हैसियत का दुरुपयोग करते हुए स्वतंत्र रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति गैर प्रतिस्पर्धा व्यवहार करने पर $2 बिलियन का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने भारत में डीजीपी वोट नाम की सेवा की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है गूगल। इस डीजीपी वोट के पहले चरण में 200 महिलाओं के कौशल में बढ़ोतरी करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। डीजीपी वोट का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग में करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा ने कितने विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 में पारित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है 3 विश्वविद्यालय। राज्यसभा ने देश में 3 विश्वविद्यालयों को श्री लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 ने पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है, जिसमें राज्य के सभी लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने में भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है राजस्थान। केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की है। राजस्थान राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने में भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान राज्य इसके लिए तेल और बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि राशि पोर्टल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय। इस पोर्टल के द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल के नाम पर रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जगन्नाथ शंकर सेठ ने वर्ष 1845 में भारत में रेलवे की स्थापना जमशेदजी जीजी भाई के नाम के साथ मिलकर भारतीय रेलवे एसोसिएशन का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस पड़ोसी देश के 3 नए स्कूल भवन के निर्माण के लिए 10,70,00,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस से बचाने वाले वैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के शीर्ष धार्मिक संगठन के 78 वर्षीय सदस्य मजिल से खबर गाने रहबीर का हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया है? तो ये इसका सही आंसर है ईरान। ये थे आज के हमारे मोस्ट आईपी क्वेश्चन। आपको यह आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।